अभी तक क्या किया कोलिजन्स में? हमने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया था? इलास्टिक कोलिजन इन 1D। इलास्टिक कोलिजन इन 1D में पॉइंट नंबर 1 क्या किया था? मोमेंटम कांस्टेंट रहता है टक्कर से पहले, m1 इंटू u1 प्लस m1 इंटू u2 इज m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2 की इक्वेशन वैलिड है पॉइंट नंबर 1। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, इनिशियल एंड फाइनल इक्वेट की जा सकती है। हमने v1 के और v2 के बड़े बड़े फॉर्मूलाज किए और इसकी हेल्प से हमने इलास्टिक कोलिजन 1D को सॉल्व कर दिया। फिर इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन इन 1D में फर्स्ट इक्वेशन क्या यूज़ करने को कही थी? ये यूज़ करने को कही, और दूसरी इक्वेशन जो यूज़ करने को कही थी वो क्या थी? कोफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये लो। इसकी हेल्प से इन इलास्टिक कोलिजन 1D को सॉल्व किया गया। तीसरा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन 1D में एक बुलेट आता है विद अ वेलोसिटी ऑफ यू, ये ब्लॉक है जिसका मास एम, ये रेस्ट पे है, बुलेट ब्लॉक को हिट करता है, कंबाइंड वेलोसिटी VC निकालना होता है, तो m इंटू यू प्लस 0 इज इक्वल टू m प्लस m इंटू VC से हम क्या निकालते थे? कॉमन वेलोसिटी। ये हमने किया अभी तक इन शॉर्ट 1D में। तो 1D का कोई भी क्वेश्चन आएगा, इन टेक्निक से आप 1D के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक यही किया था हमने। ये हमने डिस्कस किया, क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है? फिर हमने 1D करने के बाद आज क्या किया? 2D और 2D। तो 2D और 2D में क्या किया? इसमें सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन इन 2D, इसके अंदर आज डिस्कस किया m मूविंग विद u, सेकेंड बॉल रेस्ट पे पड़ी होती है, तो एक बॉल इधर जाती है m v1, मीन्स ये m1 ले लो या m2 ले लो, m1 v1, एक बॉल इधर जाती है m2 v2 एट एन एंगल ऑफ θ1 एंड θ2। आज ये टेक्निक यूज़ करके x का मोमेंटम कांस्टेंट किया, y का मोमेंटम भी कांस्टेंट किया, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल को मैंने इक्वेट किया और अपना क्वेश्चन सॉल्व किया। राइट, ऐसे किया हमने। आज का टेक्निक यही था ना कि पहले मोमेंटम एक्स के लॉन्ग कंजर्व किया, कंपोनेंट्स लेके वाई के लॉन्ग किया, और फिर हमने किसमें किया? काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट किया। फिर हमने किया परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इसमें सिंपली आज ये किया, अगर एक बॉल आ रही है m1 v1 और एक बॉल आ रही है m2 v2, आपस में ये कंबाइन हो गए, कंबाइन होने के बाद कॉमन वेलोसिटी निकालने का तरीका बताया मैंने, m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इनटू कॉमन वेलोसिटी। ऐसा किया हमने, यही टेक्निक्स यूज की आज की क्लास में, और तो कुछ नहीं एक्स्ट्रा किया। और लास्ट, इन इलास्टिक कोलिजन इन 2D, ये सब 2D 2D है, 2D, 2D, 2D एंड 2D। इसमें पहला रूल तो वही लगाया, m मूविंग विद u, सेकेंड बॉल m2 लाइंग एट रेस्ट, तो इसके अंदर मोमेंटम कंजर्वेशन तो बिल्कुल वैसे ही लगता है, x के अलोंग मोमेंटम कांस्टेंट और y के अलोंग मोमेंटम कांस्टेंट, ये तो बिल्कुल वैसे ही लगेगा, बस फर्क ये है इसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं लगती। अब आखिरी पार्ट करने जा रहे हैं, यहाँ तक तो सब ठीक है, चल रहा है काम। जो इन इलास्टिक कोलिजन्स हैं
उनमें मोमेंटम कंजर्वेशन तो एप्लीकेबल है, लेकिन कई क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो आखिरी कैटेगरी रह गई हमारी, हाउ टू यूज रेस्टिट्यूशन इन 2D, इन इलास्टिक कोलिजन 2D में रेस्टिट्यूशन में यूज कैसे करना है। तो अब आखिरी टॉपिक वही है, उसको नोट करेंगे।